10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गॉड सेंगाओ लीन फेंग से बोलते हैं कि उसके पास जो वाटर ऑफ लाइफ और डिवाइन लिक्विड मौजूद है उसका यूज करते हुए वह लोग गुसेन कॉन्टिनेंट पर मौजूद सभी एंशियंट गॉड्स को सील से आजाद करके उनकी पावर को 50% रिस्टोर कर सकते हैं। तो क्या इस काम के लिए लीन फेंग अपने पास मौजूद वाटर ऑफ लाइफ और डिवाइन लिक्विड देने के लिए तैयार है? अब यह सुनते ही लीन फेंग उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। यह सुनकर गॉड सेंगाओ बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अब वह लीन फेंग और सिंग युआन को अपने साथ लेकर एक जगह पर आते हैं और अब वह अपनी पावर का यूज करते हुए उस जगह पर एक पोर्टल को खोलते हैं। अब वह तीनों उस पोर्टल के रास्ते एक फॉरबिडन एरिया में आ जाते हैं जिस जगह पर इन एंशियंट गॉड्स की बॉडी सील होती है। अब लीन फेंग काफी ध्यान से उन तीनों गॉड्स को देखने लगता है, तभी सिंग युआन आगे आते हुए लीन फेंग को उन तीनों गॉड्स के बारे में बताता है और अब वह एक गॉड की ओर इशारा करते हुए बोलता है, यह है हमारे गोल्डन मार्शल गॉड ये नंटियान और ये है हमारे सिल्वर मार्शल गॉड सिंग चेंग फेंग और ये है पर्पल मार्शल गॉड ली सेंग कॉन्ग। अब गॉड सेंगाओ आगे बढ़ते हुए अपनी पावर का यूज करते हुए उन तीनों गॉड्स को उनकी सील से आजाद करते हुए बोलते हैं, मेरे साथियों तुम्हारे जगने का टाइम हो चुका है क्योंकि अभी हमारे गुसेन कॉन्टिनेंट को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तो अपनी नींद से जागो। अब गॉड सेंगाओ की आवाज को सुनकर वह तीनों वहां पर अपने सील से आजाद हो जाते हैं और अब गॉड सेंग कॉन्ग आगे बढ़ते हुए बोलते हैं, सेंगाओ आखिर हम यहाँ पर कितने सालों से सो रहे थे और क्या हमारे गैर मौजूदगी में गुसेन कॉन्टिनेंट पर कुछ बदलाव हुए हैं? गॉड सेंगाओ बोलते हैं, तुम सभी लोगों को यहाँ पर सोते हुए 8,000 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है, पर पिछले 8,000 सालों में हमारे गुसेन कॉन्टिनेंट पर किसी भी नए गॉड की अवेकनिंग नहीं हुई है। तभी गॉड नंटियान आगे आते हुए बोलते हैं, यह हम सभी लोगों के लिए बहुत बुरी खबर है और जहाँ तक मुझे पता है तुमने हम तीनों को यहाँ पर इसीलिए उठाया होगा क्योंकि जल्द ही डीमंस का गुसेन कॉन्टिनेंट पर अटैक होने वाला है। यह सुनते ही गॉड चेंग फेंग बोलते हैं, इसका यह मतलब हुआ कि गुसेन कॉन्टिनेंट के हम आखिरी गॉड्स जिंदा बचे हुए हैं। पर कोई बात नहीं, अपने गुसेन कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर डीमंस के साथ मरते दम तक फाइट करेंगे। तभी लीन फेंग आगे बढ़ते हुए अपने पास से निकालकर 3 बॉटल डिवाइन लिक्विड उन तीनों गॉड्स को देता है और बोलता है, मास्टर यह मेरी ओर से आपको एक गिफ्ट है। अब सभी गॉड्स उन डिवाइन लिक्विड को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि अब हमें यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता है क्योंकि इस ट्रेजर की वजह से हमारी 50% से भी ज्यादा पावर रिकवर हो जाएगी जिसके बाद हम डीमंस को काफी आसानी से मसल देंगे। और अब वह तीनों उन डिवाइन लिक्विड्स का यूज करते हुए अपनी पावर को बढ़ा लेते हैं। अब हमें मार्शल गॉड टेंपल का मीटिंग हॉल दिखाया जाता है जहां पर मार्शल गॉड टेंपल के कई सारे एल्डर्स एक जगह पर इकट्ठा हुए होते हैं। वहीं पर उन्होंने अपने ग्रेट एल्डर को भी बुलाया होता है। अब उन सभी एल्डर्स को देखते ही ग्रेट एल्डर बोलते हैं, मैं जानता हूं कि आज तुम लोगों ने यहां पर इस मीटिंग को क्यों बुलाया है। तुम सभी लोग भागकर स्पिरिचुअल रोड पर जाना चाहते हो जिससे तुम्हें डीमंस के साथ फाइट ना करना पड़े और तुम्हारी जान बच जाए, पर यहाँ पर गुसेन कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी हमारी है, तो हम लोग यहाँ पर मौजूद लोगों को ऐसे ही छोड़कर अपनी जान बचाकर यहाँ से नहीं भाग सकते हैं। तभी एक एल्डर चिल्लाते हुए बोलता है, ग्रेट एल्डर हम यह सब कुछ इंसानियत को बचाने के लिए कर रहे हैं। अगर हम अपने पास मौजूद गॉड लेवल वेपन यिंग क्लैन को दे दें तो वह लोग हम सभी लोगों को अपने सेक्ट में शामिल करने के लिए तैयार है जिससे हम सभी लोगों की जान बच जाएगी और जब डीमंस गुसेन कॉन्टिनेंट को खाली करके यहाँ से चले जाएंगे तब हम लोग यहाँ पर वापस लौटकर इंसानियत को यहाँ पर दोबारा से बसा सकते हैं। तभी दूसरा एल्डर बोलता है, ग्रेट एल्डर आपको यह बात समझनी होगी कि अगर हम लोग यहाँ से टाइम रहते नहीं भागे तो डीमन से फाइट करते हुए हम सभी लोग भी मारे जाएंगे जिसके बाद गुसेन कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पर जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक गुसेन कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है क्योंकि फाइट खत्म हो जाने के बाद हम लोग दोबारा से यहां पर आकर इसे बसा सकते हैं। अब यह सुनते ही ग्रेट एल्डर गुस्से में खड़े होते हुए बोलते हैं, तुम सभी लोग गुसेन कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक हो पर इसके बावजूद तुम लोग कायरों की तरह बात कर रहे हो और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे मार्शल गॉड टेंपल के एल्डर्स ऐसे इंसान होंगे जो अपने पीछे मरने के लिए कमजोर लोगों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए यहां से भागने की कोशिश करेंगे। तभी न्यानफेंग क्लैन के भी एल्डर्स उस जगह पर आ जाते हैं और बोलते हैं, ग्रेट एल्डर
यहाँ पर मार्शल गॉड टेम्पल के ज्यादातर एल्डर्स मार्शल गॉड टेम्पल में मौजूद गॉड लेवल वेपन हमें देकर हमारे सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। तो अब आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि यह लोग अपनी जान बचाने के लिए आपको भी मारने से पीछे नहीं हटेंगे, और आपको मारने के बाद यह गॉड लेवल वेपन खुद हमारे पास लेकर आएंगे, जिसके बाद हम इन सभी लोगों को अपने क्लैन में शामिल कर लेंगे। अब यह सुनते ही ग्रेट एल्डर को नियान क्लैन का पूरा प्लान समझ में आ जाता है, और अब वह मास्टर सिंह युआन को इस बारे में मैसेज भेज देता है। दूसरी ओर अब मार्शल गॉड टेम्पल के सभी एल्डर्स वहां पर नारे लगाने लगते हैं कि ग्रेट एल्डर मार्शल गॉड टेम्पल के गॉड लेवल वेपन को बाहर निकाले। अगर ग्रेट एल्डर यहां पर मरना चाहते हैं तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर उन सभी लोगों को यहां पर जिंदा रहना है, इसीलिए अब वह गॉड लेवल वेपन को नियान क्लैन के हवाले करके अपनी जान बचाएंगे। तभी वह पूरा एरिया काफी तेजी से कांपने लगता है, और अब उस जगह मास्टर सिंग युआन, लीन फेंग और गॉड चेंग फेंग के साथ पहुंच जाते हैं। अब गॉड चेंग फेंग को वहां पर देखते ही सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि गॉड चेंग फेंग ने ट्रू गॉड फॉर्म को अचीव कर रखा है, और आज से 9000 साल पहले गॉड चेंग फेंग सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड्स में से एक हुआ करते थे। अब गॉड चेंग फेंग नियान क्लैन के सभी लोगों को देखते हुए बोलते हैं, आखिर तुम मेरे मार्शल गॉड टेंपल के अंदर क्या कर रहे हो? तभी एक एल्डर आगे आते हुए बोलता है, मास्टर, डीमंस जल्द ही कुशन कॉन्टिनेंट पर अटैक करने वाले हैं, इसीलिए हम लोग मार्शल गॉड टेम्पल के एल्डर्स से रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे कि डीमन से फाइट करने के लिए वह अपने पास मौजूद गॉड लेवल वेपन का यूज करे, क्योंकि बिना गॉड लेवल वेपन का यूज किए हम लोग डीमन से नहीं जीत सकते हैं। अभी गॉड चेंग फेंग आगे आते हुए बोलते हैं, तो तुम लोगों को यहाँ पर हमारे पास मौजूद गॉड लेवल वेपन चाहिए? ठीक है, मैं तुम्हें वह देने के लिए तैयार हूँ, पर इसके लिए एक शर्त है। अगर तुम सभी लोग मेरे अटैक को ब्लॉक कर पाए तो मैं खुशी खुशी मार्शल गॉड टेम्पल का गॉड लेवल वेपन तुम्हें दे दूंगा। यह सुनते ही सभी लोग डर जाते हैं, और अब वह गॉड चेंग फेंग को वहां पर शांत करने की कोशिश करते हैं, पर गॉड चेंग फेंग बिना रुके उन सभी लोगों पर एक अटैक करते हैं। अब नियान क्लैन के सभी एल्डर्स अपनी पावर को मर्ज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, पर उनका बैरियर काफी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे वह सभी लोग वहां पर बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। अब गॉड चेंग फेंग उनके सामने आते हुए बोलते हैं, तो अब तुम सभी लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि तुम सभी लोग गॉड लेवल वेपन को यूज करने के वर्दी नहीं हो, तो चुपचाप से यहाँ से चले जाओ, और अगली बार अगर तुम मुझे दिखाई दिए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। यह सुनते ही नियान क्लैन के सभी लोग अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि लीन फेंग अपने सभी साथियों के साथ हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट की ओर जा रहा होता है। अभी रास्ते में वह एक लड़की को काफी तेजी से भागते हुए देखता है, जिसका पीछा कई सारे लोग कर रहे होते हैं। यह देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी लीन फेंग के बगल में खड़ी क्यू यू उस लड़की को पहचान जाती है, और अब वह लीन फेंग को बताती है कि इस लड़की का नाम यू हुआ है, और यह यून यू डायनेस्टी की 9th प्रिंसेस है। अब यह देखते ही लीन फेंग अपने बोट की स्पीड को बढ़ाते हुए यू हुआ के बगल में ले जाता है। अब जैसे ही यू हुआ उस बोट के ऊपर खड़ी यूई को देखती है, वह काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी यूई उसे आवाज लगाते हुए शिप के ऊपर आने के लिए बोलती है। अब यह देखते ही यू हुआ का पीछा कर रहे लोग काफी तेजी से लीन फेंग के फ्लाइंग शिप पर अटैक करते हैं। तभी लीन फेंग अपने डिवाइन मिरर से अटैक करते हुए उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यह देखते ही वह सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और बोलने लगते हैं कि यह पर्सन तो स्पिरिचुअल मार्शल रैलम पर है। और अब वह सभी लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर लीन फेंग काफी आसानी से अपनी पावर का यूज करते हुए उन सभी लोगों को पकड़ लेता है, और अब लीन फेंग उन सभी लोगों को क्रश करते हुए उन्हें वहां पर मार देता है। यह देखकर यू हुआ काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है। अभी यू हुआ के साथ मौजूद दो एल्डर्स यूई को वहां पर ग्रीट करते हैं। अभी यू हुआ आगे आते हुए यूई को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स करती है। तभी यूई यू हुआ को लीन फेंग से इंट्रोड्यूस करवाते हुए बोलती है कि यह हेवेनली स्वॉर्ड सेक्ट का सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल लीन फेंग है। साथ ही साथ लीन फेंग स्पिरिचुअल रोड पर हो रहे स्टार गॉड पैलेस कॉम्पिटिशन का भी विनर है। यह सुनते ही यू हुआ और भी ज्यादा इम्प्रेस होती है, और अब वह आगे बढ़ते हुए लीन फेंग को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है कि उसका नाम नांगोंग यू हुआ है,
तभी लिनफेंग युहुआ से पूछता है कि आखिर वह लोग जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे आखिर वह थे कौन। युहुआ बोलती है वह सभी लोग स्पिरिचुअल रोड से यहाँ पर आए थे और अचानक कल वह लोग उनके पैलेस में आ पहुंचे और वह लोग मांग करने लगे कि उनके पास जो गॉड लेवल वेपन मौजूद है वह गॉड लेवल वेपन हम उन्हें दे दे, इसके बदले वह हम सभी लोगों को अपने साथ स्पिरिचुअल रोड पर लेकर जाएंगे। पर जब उन लोगों ने उन्हें गॉड लेवल वेपन देने से मना कर दिया तब स्पिरिचुअल रोड से आए सभी लोग उन्हें जान से मारने की कोशिश करने लगे। यह सुनकर यूई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलती है कि आखिर वह लोग कितने ज्यादा पावरफुल है। युहुआ उसे बताती है कि उन सभी लोगों की कल्टीवेशन स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के 9th लेवल की है और उनके फैमिली के दो सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर्स जिनकी कल्टीवेशन भी स्पिरिचुअल मार्शल रैलम की थी उन्होंने उन लोगों से फाइट करने की कोशिश की पर वह एल्डर्स उनसे नहीं जीत पाए, जिसके बाद युहुआ को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। यह सुनते ही साउटियान बाहर आते हुए बोलता है तुमने क्या कहा, स्पिरिचुअल मार्शल रैलम के 9th लेवल पर वह लोग तुम्हें पावरफुल लग रहे हैं, मेरे मास्टर बस चुटकी बजाकर ही उन्हें खत्म कर सकते हैं। यह सुनकर युहुआ और उसके एल्डर्स को इस बात पर यकीन नहीं होता है। तभी युई उन्हें बताती है कि लिनफेंग ने यहाँ पर टोंगटियांग रैलम पर मौजूद लोगों को और तो और हेवेनली गॉड रैलम पर मौजूद लोगों को भी मारा है, तो उसके लिए यह करना कोई भी बड़ी बात नहीं। तभी लिनफेंग बोलता है स्पिरिचुअल रोड पर मौजूद छोटे मोटे क्लैंस गुसेन कॉन्टिनेंट पर आए खतरे का फायदा उठाना चाहते हैं। वह लोग गुसेन कॉन्टिनेंट में मौजूद सभी गॉड लेवल वेपन्स अपने कब्जे में ले लेना चाहते हैं जिससे उनके क्लैंस और फैमिली की पावर बढ़ सके, पर मैं उन लोगों को उनके मकसद में कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। तो अब हम लोग यहाँ से सीधा यूनयू डायनेस्टी की ओर जा रहे हैं। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर स्पिरिचुअल रोड से आए यह लोग कितने ज्यादा पावरफुल है। और अब वह अपने फ्लाइंग शिप को यूनयू डायनेस्टी की ओर लेकर जाने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।